ये मैडम आई हैं गांव के बिल्कुल आउटर में, और यहाँ पे लोग रहते हैं जो गांव के लोग हैं। पूरा मतलब पुराना आर्किटेक्चर है, लकड़ियों का बना हुआ है, और यहाँ पे खेत वेत भी हैं इनके, थोड़े बहुत सब्जियाँ उगाते हैं। खेत तो बहुत सारे हैं, धान वगैरह। और इधर नए घर इतने सारे बन गए हैं इस तरफ, और ये ऊपर जो इधर लकड़ी के घर भी हैं, और ये भी बहुत सारे लकड़ी के ही हैं। खास मतलब यहाँ पे लकड़ी के घर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आउटर में लोग सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, जहाँ पे घर बन रहे हैं वो भी अपना सामान इधर उधर ले जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर सामान ज़्यादा है तो कुछ गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह भी थे जिनका यूज़ हो रहा था। तो एक गांव का माहौल था, पहाड़ों का गांव, जहाँ पर सामान इस तरीके से ले जाया जा रहा था। थोड़ा बाहर आउटर में घूमने के बाद हम फिर से म्याओजाई म्याओ विलेज में आ गए, और यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत रौनक थी। कहीं पर डांस हो रहा था, कहीं पर खाना वगैरह बन रहा था। तो ये हमारा आज लास्ट डे था, और जैसा कि कभी भी अगर किसी जगह पर लास्ट डे होता है तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमको फिनिश करने होते हैं। तो हमने एक हफ़्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत सारी जो भी यहाँ की एक्टिविटीज़ होती है उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया और उसको हमने इंजॉय किया। आप हमारी प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं कि हमने किन किन एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। और आज बस कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, जैसे कि हमें कुछ खाना ट्राई करना था, हमें कुछ सामान खरीदना था। कई दिनों से हम शॉपिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था जब जाएंगे तभी शॉपिंग करेंगे, अदरवाइज़ सामान इकट्ठा होता जाएगा। तो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर से कुछ थोड़ी देर इस रोड पर घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करेंगे। डांस वगैरह रोज़ होता है, आज भी हो रहा है, तो वो सब हमने देखा, इन्जॉय किया। और ब्रेकफास्ट करेंगे और उसी के साथ करेंगे शॉपिंग। फिर हमने ये रेस्टोरेंट में देखा, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही थी। ये कुछ म्यूज़िक वगैरह था और गाना वगैरह गा रहे थे, यहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, और इतना सुंदर गाना है उसको सुन रहे थे। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, और पिछले एक हफ्ते से हम ये सब देख रहे हैं, पर देखते देखते मन ही नहीं भरा है। फिर कहीं पर डांस देखते हैं, म्यूज़िक देखते हैं या गाना देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। ये वाला जो डांस है ये भी कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी सोबर लग रहा है। जो ड्रेसेस है वो सब बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने कुछ सामान यहाँ से ख़रीदा भी है और वो काफ़ी अच्छा है। तो बस ऐसे ही करते करते हम इस गली में फिर से घूमने लगे। हम पिछले एक हफ्ते से इस गली में घूम रहे हैं, और रोज़ ये गली हमको उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो नाश्ता है वो गर्म है कि नहीं है, ठंडा तो नहीं है। और ये जो दुकान वाले भाई साहब है मुझे बता रहे हैं कि जो नीचे की तरफ रखा हुआ है वो गर्म है और जो ऊपर की तरफ है वो ठंडा है। ये आलू वगैरह, फ्राई राइस वगैरह और जो भी मीट वगैरह है, कॉर्न वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे और समझ रहे थे कि हम यहाँ पे क्या खाएं। देखिए, इन्होंने मुझे खोल के बताया है और बता रहे हैं कि इसके अंदर राइस है और ये गर्म भी है। फिर उन्होंने ये जो बैम्बू वाला ब्रेकफास्ट है ये मुझे टेक्निक के साथ तोड़ के दिया, काट के दिया, और इसके अंदर राइस था। और वो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बोला कि बच्चों को भी खिलाओ, बच्चे खाएंगे कि नहीं, तो मैंने बोला बच्चे भी खाएंगे। इन्होंने बोला कि क्या आपको चॉपस्टिक्स चाहिए, तो मैंने बोला हाँ मुझे चॉपस्टिक्स चाहिए है। ये है यहाँ पे मिलने वाला स्ट्रीट का फूड जो मेरे को काफ़ी टाइम से अट्रैक्ट कर रहा था। मम्मी ये खा ले बेटा।
और उसके बाद ये जो बैम्बू वाला ब्रेकफास्ट है ये मैंने अपने बैग में रख लिया, क्योंकि हम इसको बाद में भी अपने हॉटपॉट में गर्म करके खा सकते थे। और फिर मैंने बोला कि मुझे थोड़े मिर्च वाले जो फ्राई नूडल्स होते हैं वो बना के दीजिए, क्योंकि वो भी यहाँ की स्पेशलिटी है। तो फिर वो मुझे ये फ्राई करके देने लगे, तो देखते हैं कि अब वो कितने डिलीशियस होने वाले हैं। फ्राई नूडल्स में उन्होंने एग भी डाला और कई सारी वेजिटेबल्स भी डाली, और ये क्विक फ्राई था। मुझे लगता है कि जो चाइनीज़ फूड होता है और नूडल्स वगैरह होते हैं, क्विक फ्राई होने की वजह से काफ़ी डिलीशियस लगते हैं और काफ़ी क्रंची भी लगते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका टेस्ट अब कैसे होने वाला है। और मैंने मिर्च भी अच्छी डलवाई थी। जो फ्राई नूडल्स होते हैं और फ्राई राइस होते हैं उनमें किसको किसको थोड़ा मिर्च ज़्यादा डलवाना पसंद है कमेंट करिएगा। और जो चाइनीज़ नूडल्स होते हैं या फ्राई राइस होते हैं और इस तरह का कुछ भी स्टीर फ्राई होता है, वेजिटेबल राइस और नूडल, वो इंडियन स्टाइल से काफ़ी अलग होते हैं और मैगी के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। यहाँ पर मैगी मसाला जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जो नूडल्स में यूज़ की जाती है, पर जो नूडल्स होते हैं उनका टेस्ट, जो फ्राई राइस होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। और चाइना में आने के बाद ही मुझे फील हुआ है कि हमें नूडल्स इंजॉय करने के लिए मैगी मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती है जो नूडल्स को, फ्राई राइस को, फ्राई वेजिटेबल्स को और सभी को काफ़ी डिलीशियस बना देती है। फ्राई नूडल्स बनाने का ये जो चूल्हा था ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इन्होंने मुझे डब्बे में डालकर दे दिए नूडल्स। मिर्ची वाले नूडल मैंने आज अपने लिए बनवाई है, खाते खाते आज फाइनली कर लिया मैंने मिर्ची वाला काम। तो ये है म्याओ विलेज और उसकी एक स्ट्रीट जो कि म्याओ फ्लेवर से भरपूर है, जिसमें पूरा म्याओ फ्लेवर है, अलग तरीके का बीबीक्यू है, और काफ़ी एक आरएमबी की एक ही स्टिक थी तो लोग 10-10, 20-20 स्टिक ले रहे थे इस बीबीक्यू की और इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ भी फ्लेवर रहता है मिर्च वाला और बिना मिर्च वाला। तो ये जो पूरी स्ट्रीट है ये काफ़ी वाइब्रेटिंग है, मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और बच्चे भी देख रहे हैं कि वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि अब जाते जाते सभी को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को टॉय लग रहे हैं, मुझे कपड़े लग रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग देखते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि अब क्या ख़रीदें। तो ये है एक स्ट्रीट का व्यू जहाँ पे बहुत सारा नाश्ता है, कुछ आलू का बना हुआ है, और ये है चक्की जो कि तिल की है, गुड़ की है, मूंगफली की है, और ये कुछ मीट है ड्राई वाला जिसको ये पैक कर रहे हैं, और इसमें कई सारी मिर्ची है। अगर हम चाइना में हैं और सिचुआन में है या गुइजो में है तो ये श्योर होता है कि वहाँ पर मिर्च के बहुत सारे फ्लेवर मिलने वाले हैं। और फिर डॉक्टर साहब बोले कि उनको भी ये जो चक्की बनाते हैं तो ये इस चक्की को बहुत ज़ोर ज़ोर से कूटते हैं इन हथौड़ों से, तो डॉक्टर साहब बोले कि मुझे भी ये एक्टिविटी करना है। तो ये जो नीचे तिल, गुड़, मूंगफली की जो चक्की है उसको ये लोग कूटने लगे और इसमें काफ़ी मज़ा आया। तो ये जो चक्की है इसका जो ये मिक्सचर है ये काफ़ी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा था। और उसके बाद हम ये जो हैंडमेड शूज़ हैं उनकी शॉप में आ गए, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ शूज़ खरीदूंगी, और डॉक्टर साहब भी अपने लिए कुछ शूज़ देख रहे थे। तो ये काफ़ी हैंडमेड थे, रिलैक्सिंग थे और कलरफुल थे, तो ये हमें बहुत अच्छे लगे। आपको ये जो हैंडमेड शूज़ हैं ये कैसे लगे, इनके कलर कैसे लगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल। तो जियांग आए हुए हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आता है चैन हू म्याओ विलेज, उसको भी हमने देखा, एक्सप्लोर किया, और इतना शानदार म्याओ विलेज है, इतनी सारी फेस्टिव एक्टिविटीज़ है, आर्नामेंट है, रिवर है, फूड, सब कुछ है जो हॉलीडे चाहिए होता है। तो हम यहाँ ऊपर वैन है उसमें रुके हुए हैं, और आज हमारे आ गया है जाने का टाइम, अब हम निकलेंगे जूनी के लिए। तो
बस आज हम जाने वाले हैं और आज ही यहाँ हुई है बारिश, रात से ही बारिश हो रही है। और पहाड़ जो हैं अभी 5-6 दिन से तो ठंड तो थी पर धूप भी अच्छी निकल रही थी, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मज़ा बहुत आ रहा था और अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो ख़ास बात क्या है कि ये बारिश होने की वजह से जो व्यू है वो चेरी ऑन द केक वैसा हो गया है। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि व्हाई यू आर लिविंग इन चाइना, तो ये भी एक रीज़न है चाइना में रहने का। बहुत सारे रीज़न है, उन सारे रीज़नों में एक ये भी रीज़न है कि चाइना बहुत ब्यूटीफुल है, नेचुरल है, पीसफुल है और हर तरफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। जब हम आते हैं चाइना में तो हमें पूरा एक जैसा लगता है, बट जब हम वहाँ समय बिताने लगते हैं तो हमें हर तरफ अलग तरह का खाना, अलग तरह का नूडल, अलग अलग चीज़ें फ्लेवर्स मिलते हैं। तो हम हैं अभी गुइजो में और जो गुइजो है वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल अमेजिंग। ये सामने इधर की तरफ पहाड़ हैं और उधर हमारी आरवी वैंस हैं, उधर कार है और ये है एक खेलने की जगह जिसमें बच्चे खेल सकते हैं जिनकी हाइट 1.5 से ज़्यादा है। कैसा लगा फ्रेंड्स? और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब अभी तक टेम्परेचर 20 डिग्री मतलब मिनिमम तो ऐसा था 2 और 20, बट धूप की वजह से कुछ एहसास नहीं हो रहा था, पर अब जो है आज एहसास हो रहा है, हवा की आवाज़ भी आ रही है, तो इससे ज़्यादा नेचुरल मज़ेदार मेरे लिए तो अभी तक कुछ नहीं है। ऐसा मतलब ठंडी हवा भी लग रही है और पहाड़ भी हैं, बादल भी हैं और हॉलीडेज भी हैं। फ्रेंड्स, शीजियांग चैनबू म्याओ विलेज में हमारा लास्ट डे है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर हम कभी न कभी फिर से आएंगे। ये जगह हम सभी को बहुत अच्छी लगी, यहाँ से रिलेटेड ब्लॉग्स हमने बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ से रिलेटेड, शीजियांग से रिलेटेड ब्लॉग्स कैसे लगे। और अब हम जा रहे हैं जूनी सिटी, क्योंकि हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बीच में एक सिटी है जूनी, वहाँ पर हम रेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।